दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अमित भाई ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों गलती कर दी है? तो भाई देखिए, आप यहाँ पर खुद ही देखिए, उनके पास जो कार है क्या वो इस टायर को झेलने के लायक है? मतलब कि कार एक तो वैसे ही पुरानी है, और दूसरी बात है कि इतने बड़े बड़े टायर जो कि ट्रैक्टर पे लगते हैं, ट्रैक्टर पे स्ट्रेंथ होती है, ट्रैक्टर पे वो क्षमता होती है कि वैसे टायर को कंट्रोल कर पाएँ, बट हमारे कार्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना इन्होंने उसको उतना स्ट्रेंथ दिया है जिसकी वजह से कार में जो टायर टिक पाएँ। अब यार ये गलती जो है ना, सिर्फ उनको ही नहीं दूसरे लोगों को भी भारी पड़ सकती है। कैसे भारी पड़ सकती है, तो चलिए चलकर देखते हैं वीडियो के अंदर में। तो जैसा कि उन्होंने अभी एक नया वीडियो अपलोड किया है, सेम चीज़ उन्होंने इस वैन के साथ में ट्राई किया है। अब यार यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वैन में भी सेम चीज़ होती है कि वो भी स्ट्रेंथ उतना ही होता है जितना कि कार की हो, और वो भी इस चक्के को झेल नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है, जब ये रोड पे आए हैं तो रोड पे दोस्तों दूसरे लोगों को इससे खतरा हो सकता है। अगर अचानक से इसका सिस्टम बिगड़ा और टायर्स अगर अचानक से निकल गए या कुछ अनबैलेंस हुआ, तो दूसरों के ऊपर गाड़ी चल सकती है, क्योंकि बिजी रोड है। देखिएगा यहाँ पर जो पब्लिक आ जा रही है, इनकी छोटी सी गलती से या तो इनको भी नुकसान हो सकता है या फिर रोड में चलने वाली एक आम जनता को भी। तो दोस्तों मैं अमित भाई को मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उनको जो है यार्ड में करना चाहिए, क्योंकि भाई वो सेफ़ रहेंगे और पब्लिक भी सेफ रहेगी। आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वैसे वैन का लुक जो है मुझे फ़ौरन की याद दिला रही, गज़ब का वैन था, और वीडियो बहुत मज़ा आया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।